उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक पूनम के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में थाना धौरहरा पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बीती रात शेखनपुरवा मोड़ के पास मुठभेड़ के दौरान अपहृत बाबा छोटे ब्रह्मचारी को सकुशल बरामद कर 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 2,11,000 रुपए नकद, 7 मोबाइल, ATM, चेक, 2 अवैध तमंचा, 315 बोरमय, 5 अदद जिंदा व 1 खोखा कारतूस और 1 गाड़ी बरामद की है। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। एक ये जो जग प्रताप यादव है, इससे एक धौरहरा में महत छोटे ब्रह्मचारी, इन्होंने जमीन खरीदी थी जिसका कुछ रुपया बकाया था और ये जब पैसा वापस नहीं दे रहे थे, तो जो जग प्रताप यादव है, इसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर, 4 साथी जो कि मुबारक, नलवीस, नौसाद और इमरान, इनके साथ मिलकर 24 तारीख को महत है जो इनका और इनके जो बैंक से ATM के जरिए पैसे निकलवाए, के तुरंत मुकदमा 24 में पंजीकृत करके केस को वर्कआउट करने के लिए क्राइम ब्रांच और थाने की टीमें लगाई गई थी। आज रात्रि ये बाबा को सेक्सुअल बरामद किया गया है और जो 5 अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जो गाड़ी है वह बरामद की गई है और कुल 2,11,000 रुपये, 2 तमंचे और कारतूस इनसे बरामद हुए हैं, 7 मोबाइल बरामद हुए हैं और ATM और जो खाली चेक है बरामद। पूरे केस को क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की टीम ने बरामद किया है। इसके लिए 10,000 रुपये नकद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।